अब हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी समझो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। मेरी बात को समझना, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेने वाला था लास्ट सैटरडे को या लास्ट फ्राइडे को, लेकिन नहीं ले पाया। मेरा सब कुछ तय था, प्रोग्राम तय था, लेकिन नहीं ले पाया। कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कभी बरसात आई, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, समझ में आ रहा है। तो पर ये जो हमारे बोहर भाई साहब है वो क्या कहते हैं, बोहर भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो एवरीथिंग इज फिक्स्ड। वो कहता है कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स रेडियस के साथ और फिक्स एनर्जी के साथ, समझ में आ रहा है। एवरीथिंग इज फिक्स, मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ चीजें फिक्स है, अगर कोई आपको कह दे, सपोज करो कि अगर आपको कोई कह दे कि मैं हमारे प्रधानमंत्री एकदम फिक्स समय पे, मतलब फिक्स समय पे, मतलब सुबह 8 बजे तुम्हारी गली के आगे से निकलेंगे, तो आपने क्या किया, और वो स्पीड भी बता दो किस स्पीड से निकलेंगे, तो तुम उनको जाके देख सकते हो, मालूम पड़ जाएगा ना कि कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे और कहां से निकलेंगे। जब एवरीथिंग इज फिक्स, देन यू कैन मीट नरेंद्र मोदी जी, समझ में आ रहा है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो, तो वो तो होगी सारी फिक्स बात। लेकिन मान लो कल को, मान लो कि भाई गलती से उन्हें कहीं जाना पड़ गया, या समझ लो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, व्हाटएवर, तो देयर इज एन अनसर्टेनिटी ना, समझ में आ रहा है। मतलब मैं आज आया नहीं आया, मेरी कुछ मजबूरी हो जाती, मैं भी नहीं आता, तो देयर इज एन अनसर्टेनिटी लाइफ, समझ में आ रहा है। कि भगवान पे भरोसा नहीं करने वाले कहते कि एवरीथिंग इज सर्टेन। हमारे आइंस्टाइन तो ये भी कहते थे कि भैया कोई मक्खी उड़ रही है, अगर उस मक्खी के उड़ने के पाथ को अच्छे से स्टडी किया जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मक्खी अब कहां जाके बैठेगी। लेकिन हेजनबर्ग कहता है कि भाई साहब थांबा, एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इस यूनिवर्स को कोई चला रहा है और वो किसी को नहीं पता, तो अपने आप को भगवान मत समझो। तो हेजनबर्ग कहता है भैया अनसर्टेनिटी हर जगह लाई करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसने बोला कि हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही थी कि भैया बोहर भाई साहब थांबा, तुम कहते हो कि इलेक्ट्रॉन फिक्स वेलोसिटी से घूमता है, फिक्स रेडियस से घूमता है, फिक्स एनर्जी से घूमता है, तो मतलब ये कि मैं इलेक्ट्रॉन को पता कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूं, फिर तो आज तक क्यों नहीं दिखा इलेक्ट्रॉन, कभी सोचे हो तुम? क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो, मेरी बात अगर मुझसे पूछो कि मैं कहां रहता हूं, मैं बैंगलोर रहता हूं, तो क्या मुझे तुम बैंगलोर में ढूंढ लोगे? नो। अच्छा अब तुम्हें पता लग जाए कि मैं बैंगलोर में कहां रहता हूं, अच्छा मैं या तो वेदांतों के ऑफिस में मिलूंगा या मैं मेरे फ्लैट में मिलूंगा, अब तुम्हें दो चीजें पता लग गई, तो क्या मैं तुम्हें वेदांतों में या फिर फ्लैट में मिल ही जाऊंगा जब तुम आओगे? गारंटी तो नहीं है। तुम्हें मेरी रहने की जगह पता है, एवरीथिंग यू नो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं मिलूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की तुम फिक्स वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस जो भी बता रहे हो, तुम कहते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम आ जाके मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन आज तो ढूंढ लेना चाहिए था लोगों को, आज पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगाया जा सका, समझ में आ रहा है। उसकी जगह को, उसकी वेलोसिटी और रेडियस को फिक्स बताने वाले लोग गलत थे, देयर इज एन एवरीथिंग इज अनसर्टेन। वो ये कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर सकते, मतलब वो ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में आप उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ पता नहीं कर सकते, यू कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मूवमेंट एट द सेम टाइम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, नहीं पता कर सकते आप। तो उसमें कितनी गलती करोगे आप, उसकी पोजीशन को पता करने में और उसकी मोमेंटम को पता करने में एटलीस्ट एच अपॉन 4π, इतनी गलती तो करोगे करोगे, ये मिनिमम गलती है, उससे ज्यादा गलती भी हो सकती है। मतलब ये कह दिया कि मैं 9 बजे आऊंगा, फिक्स नहीं है, 9:01, 2 सेकंड या 9 बजे से पहले भी आ सकता हूं, तो देर इज इन एवरीथिंग देर इज अ अनसर्टेनिटी लाइन। अब ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है तो इतनी गलती तो करोगे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता नहीं किया जा सकता। मजे की बात, हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर मिलने की वो पता कर सकते हो। मेरी बात को समझो, मैं आपको, मैं कहां रहता हूं, मेरे घर या वेदांतों के ऑफिस, पर गारंटी नहीं है कि मैं आपको मेरे घर और वेदांतों के ऑफिस मिल जाऊंगा, लेकिन हाँ ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर मेरे पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हेजनबर्ग ने कहा भैया तुम इतनी गलती तो करोगे, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता नहीं कर सकते। आप क्या पता कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है, और इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने वाली संभावना जिस जगह पर है उसी को उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। ये था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि भैया सब कुछ फिक्स नहीं है, तुम रुक जाओ, थांबा, समझ में आ रहा है। तुम जो सोचते हो कि तुम भगवान हो, एवरीथिंग इज फिक्स, दैट इज नॉट फिक्स, तुम इतनी गलती करोगे, कैलकुलेशन तुम एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब वो कहता है इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन और मोमेंटम का पता तुम कर ही नहीं सकते हो, और तुम लोग एच अपॉन 4π के बराबर गलती करोगे, समझ में आ रहा है। तो देर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अनसर्टेनिटी लाए। कहता है आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी का पता कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा है उनको ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मेरे बैंगलोर में मेरे पाए जाने की संभावना कहां है, मेरे घर पे या फिर वेदांतों के ऑफिस, तो मेरे लिए वो ऑर्बिटल हो गए, बट गारंटी नहीं कि मैं मिल जाऊंगा, मैं कहीं और गया हो सकता हूं, समझ में आ रहा है, मैं कहीं और जा सकता हूं, इज इट क्लियर। तो अब हम चलते हैं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स आर दोज प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनको ऑर्बिटल कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम चलते